आदमी थोड़ी सी तो देख आज पूरा गांव है इन साहब ला रखा हूं बहुत पूरा गांव सर पूरा गांव पूरा गांव ये धमकी ठोकन थोड़ी सी हुई आज जीते नहीं उन पहली धमकी आ रही है कोई धमकी नहीं है नहीं अब आज ये स्पीकर ऑन कर रही है हां वो पूरा गांव होनी है एक ना थोड़ी सी लाइट हम बड़े फोन कर दिया है उन्होंने कि उठो उसको अब तो उठो डरने की जरूरत नहीं है भाई के हां उठो हमने बड़े फोन कर मैं बोला एन साहब ने बोला यू डरेन भाई कि धमका सामान अपन सा पाकिस्तान ना होना पड़ी हां तो भाई ऐसी बात है क्या मैं जयपुर हूं ठेकेदार का है मैं जयपुर से एक मुझे बात करा दो मुझे ठेकेदार क्या है कि मैं तो राजेंद्र सिंह जी भाई को भेज दिया वो कर रहे हैं अब कोई किया हो लाटू क्या बोला राम वट नो यू वट मिली बातों कर रहे हैं क्या ताले बजाऊं मैं पर्सनली क्या जो ठीक नहीं है ताले बजवाई था ताले वाली बात करता है ये यार कोई बात की थी कोई एडी कोई ताले आती नहीं वैसे ताले ताले बजा रहे हो बोल रहे हो गलत बात कर रहा है आप रे एमएलए साहब आ गया ना बड़ ताले बजा मन के ताले बजाओ ना यार मैं 5 घंटे बैठे हूं इस रेंज में 5 घंटे बैठा हूं कोई जरा ताले बजा आदमी किसके तो पॉइंट के लिए नहीं अब बताओ आप अपन मैं ही तो मैंने क्या कहा साहब मैंने तो यही कहा साहब आए सोल्यूशन हो जाएगा ये भैया बात होगी दर्ज भाई दो मारो क्या सॉरी व्यवस्था भेजे मारो क्या मारो क्या सॉरी व्यवस्था भेजा लाइ तो भी थी आप रिवर्स तो सही करी आप बोल तो भाई हमारा दुखत गड़ी बताले बजा दी गड़ी जाके माजा में ये धमकी देवे टाइम है कोई हां धमकी देवे टाइम हुकुम का एक तो दुख व्यतीत करनो चीज एक भाई तबे मैं भी ऐसे को देख ध्यान राख जो वाह वाह तो कटी रही ध्यान राख जो समाज बेटा अंतर की अटाई वो बहनो चाहिए हमें वाह वाह तो कटो हमें जो धमकी ठोकनी है पिले रूडिंग कौन आयोड़ा मेंबर है अरे इन साहब लेकिन ठेकेदार नहीं आवे और मुकदमा दर्ज नहीं हुए इतो तो इतो तो प्रोटेस्ट कर दो वो आगो लेन मोदाटे बैठ जाओ फचे नहीं नहीं मुकदमा बैठ जाओ देखे मैं पैदल मार्च करता रहो किन्नी नहीं जाऊ अटू अटे अटू अटे फते कहीं करो आप मुकदमा दर्ज वो तो पैदल मार्च रस्तो रोक ने करता बड़े दान बटू फाजा मिलो फाजा टी ना कोई गाड़ी तो जावनी नहीं दौला फाजा बन में कोई मुकदमा दर्ज करो तब इन साहब ठेकेदार ने बुलाओ मैं 3 बार फोन करियो ठेकेदार ने अरे ठेकेदार कोई लाड साहब है कोई कौन लाड साहब ने किन्ना हाथ है ठेकेदार लारे वो किन्ने के किन्ने संदेश वाक भेज रियो
ਫਲਾਦੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਦੂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋਲਾ ਮਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਪਿਆ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਟਾ ਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਵਾਤੇ ਸਰ ਆਜ ਨਹੀਂ ਆਜ ਬਿਕੌਮ ਕਿਦੋਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ ਅਡਵਾਗ ਲੈ ਲੋ ਔਰ ਮਨੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਓ ਵਰੇ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਈ ਵੰਡੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਪੇ ਲੈਣ ਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਈ ਖੁਦ ਨਾਗ ਰਗਣ ਨੇ ਕਾਕੋ ਮਾਰਨਾ ਆਈ बात कर लो आप पर मुकुंद में मार खिलाफ भी दर्ज भाई तो भाई थानेदार साहब कर दो मार खिलाफ मुकुंद में अरे आमजन एक वाला करे तो आप तीन वाला फोन करे तो इतनी नो कि भाई को थोड़ाई पाली बैठे मन सुखे सागे ये देखे एक दो रपट साले लोगों लागे भाई वो वन में चाहिए नहीं कोई कौन सा हां कर पड़े लगा नहीं उड़ी वाला करे यार मैं वो इसको सेटिंग नहीं जावे अरे कोई डीडा भैया थोड़ी पाली रे थाप पड़े कोई नहीं आ तो वो आदमी थाप पड़े पड़े मैं वधरी मातम लगी है धामले रहे हां भागचंद जी दो तीन एटी सा भेज गया अरे आप कहां हो अरे मैं तो रस्ते में हूं कुलदीप और आपके पास पहुंच रहे मेरा आदमी कुलदीप कौन है दो मिनट में 2 महीने में राजपुर कौन कुलदीप बजवाला भाई है राजू सरपंच वाला भाई क्या नहीं आप आओ ठेकेदार जी आप आओ मैं खुशवीर सिंह बोल रहा हूँ आपको कितनी बार कहलवाया कितनी लापरवाही आपने की है आप आओ आप खुद पहुंचो ये कोई बात थोड़ी हुई आपकी बदनामी तो आपकी होती है ठेकेदार फिर वो भी क्या करे ठेकेदार को लूटते हैं दूसरे तो अब आप ऐसे करो ये कोई बार्गेनिंग नहीं है ये कोई ठेला नहीं है सब्जी का के भाव करेंगे हम और उसमें आर्मी की ज्वाइनिंग ही क्या बात कर रहे हो आप सिलेक्शन हो गया था सेकंड लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हो गया था बच्चे का वो तो ठीक है आ गया इलेक्शन में इसलिए मैं वाजिब कह रहा हूँ और नहीं तो एक बात कहूँ साहब FIR दर्ज होगी FIR 303 में दर्ज होगी 302 यूँ है कि यहाँ आने से आपके आने से ही बात काम बनेगा कोई बीच में दूसरा तीसरा आएगा नहीं बनेगा काम रोड रुका हुआ है रास्ता तो बंद कर दिया है पूरा ब्लॉक हो गया पूरा फिर आप मेरे को मत कहना कि ये हो गया तो आपके कोई मेडिटर आवे तो उससे काम नहीं होगा ये तो वो आपके इंजीनियर आके बैठा है यहाँ पर वो उसके हाथ में क्या वो तो 20,000 की नौकरी करता है आप आओ 50 किलोमीटर आए साहब जी अभी 25 तारीख की शाम को करड़ी में एक बहुत ही बेहद दर्दनाक दुर्घटना हुई है मैं स्वयं आज उस परिवार से जाके मिला हूँ बड़ा दुख होता है ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है और भ्रष्टाचार की वजह से ही आज हमारे एक नौजवान को जान गंवानी पड़ी ये टोटली मैं इसको अपराध कहूँगा और जिस संवेदक का वहाँ काम चल रहा है जिस ठेकेदार का वहाँ काम चल रहा है मैं अभी वहाँ गया था करड़ी तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया और पूर्व सरपंच है वो भी मुझे मिले उन्होंने भी मुझे बताया कि ये इसी ठेकेदार की ये तीसरी ऐसी घटना है जिसमें जान चली गई ये इसकी लापरवाही से इसके जो टेंडर हो रखा है टेंडर की शर्तें होती है कि भी कहीं भी कोई उसका काम चल रहा है तो उसको बैरिकेड से लगाया जाएगा उसके आगे बोर्ड लगाया जाएगा कार्य प्रगति पर है या रास्ता बंद है इस तरह के कुछ रेडियम की पट्टी लगाई जाएगी वहाँ ऐसा कुछ नहीं था ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ कुछ नहीं था यहाँ तक कि अगर कोई ये झाड़ी काट के अगर बबूल की झाड़ियाँ लगा दी होती तो भी ये आसान नहीं होता तो ये निश्चित रूप से पूरा का पूरा ये लापरवाही और आपराधिक मामला है तो सबसे पहले तो संबंधित जो संवेदक है उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए उसके अलावा जो संबंधित अधिकारी हैं जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी कम दोषी नहीं है उनकी लापरवाही से उनकी मिलीभगत से बाकी क्या मजाल है ठेकेदार की कि वो टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करें
संबंधित अधिकारियों ने कितनी बार मौके का निरीक्षण किया, क्यों नहीं गए वो मौके पे? और ये कोई आज की बात नहीं है, गांव वालों ने अभी मुझे वो बता रहे थे कि ये तो दीपावली से पहले से ही यहाँ पे कोई बैरिकेड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितने हादसे हो जाते होंगे ऐसे। और इस ठेकेदार ने तो ये तीसरा हादसा कर लिया, ये तीसरी मौत हुई है। पहले अक्षय नाम का कोई लड़का जिसकी डेथ हुई बताते हैं, फिर कोई जेठाराम नाम का लड़का जो था अपने नए गांव का, उसकी डेथ इसी तरह से इस ठेकेदार के किसी काम पे हुई। तो ये आपराधिक गठबंधन है एक तरह से। मुझे दुख होता है कि जनप्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी कभी तो अधिकारियों का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं, कभी ठेकेदार का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। अरे भाई, क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? और आज एक जान चली गई, एक जवान बच्चा चला गया, आप उसकी कीमत आंक रहे हो? अरे भाई, उसको कम से कम जो अपराधी है उसको पहले तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कराइए, उस ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करिए, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करिए, और फिर उसको सरकार से जो उचित मुआवजा है। आज सरकार छोटी छोटी घटनाओं में भी 50 लाख का मुआवजा दे रही है। आज एक जवान बच्चे की मौत हुई है और आप उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देकर उसको लॉलीपॉप दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें उचित सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जांच होके उस परिवार को उचित मुआवजा मिले, और जो दोषी हैं उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उस संवेदक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें, और उस विभाग उसको ब्लैकलिस्टेड करे, और जो भी विभागीय अधिकारी हैं जो दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे। सिंह जतावत, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। मैं प्रशासन को एक खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि आप यदि इस कराड़ी वाली घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, अगर दोषी संवेदक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, यदि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टी प्रशासन SDM कोर्ट के आगे धरने पे बैठेगी।